हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है, इसमें आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारा कितने में कटता है रशिया में, मतलब हेयर कटिंग का कॉस्ट बताऊँगा, और रशिया नहीं काटेगा या काटेगी पता नहीं, वो तो देखते हैं जाके। और हम और इधर तीर्थ भाई, हेलो बोल दो। तो हम और जा रहे हैं, और मौसम भी आज का काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है, धूप निकल रही है काफ़ी अच्छी। और बताओ भाई, कितने में कटेगा, क्या लगता है? 300-250 में कट जाए तो सही है अपना। हाँ वही है, अब देखते हैं जितने में भी कटे, लेकिन अच्छा कट जाए बस ये है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो सही में कट जाएगा। हाँ हाँ, और वो कैसा कटेगा ये भी रिस्क है यहाँ पे। अब देखते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा होता है रशिया में, मतलब कटवाने का। तो चलते हैं, एंड आप तब तक थोड़ा सिनेमेटिक इन्जॉय करें। कटिंग वाले सैलून पे, यहाँ पर ये हेयर कटिंग होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर लोकेशन है। तो जैसे कि ये 43 वाला बस स्टैंड है, तो इसका नाम क्या है तेरे, दिखा देना यार। इसका नाम है मैक्रोरेन योनोस। हाँ तो यही कुछ है। तो इस तरीके से आप लाइक DNS वाला जो बस स्टॉप है उसके इस साइड आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपके कटा सकते हो। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि हमारा कितने में कट रहा है और कैसा कट रहा है। तो इधर से कुछ एंट्री है, एंड फर्स्ट फ्लोर पे है शायद, क्योंकि कल भी आए थे लेकिन कल वापस जाना पड़ा, क्योंकि कल वीकेंड था, तो काफ़ी यहाँ पर भीड़ था, तो उस वजह से वापस जाना पड़ गया था। तो आज मंडे है तो इसलिए आए हैं तीर्थ भाई के साथ। ये लेडीज वाला है, तो अगर आप में से कोई है तो वो इधर आ सकते हैं, और अगर बॉयज हो तो इस साइड आपको आना है। इधर शूज का भी शॉप है, आप देख सकते हो, तो सूज का भी देख सकते हो, और इधर कपड़े का भी है जो कि अभी खुला नहीं है। और इधर रहा द बॉयज का हेयर कटिंग शॉप। पहुंच तो गए गाइस हेयर सैलून में, और इधर देख सकते हो कुछ कट भी रहा है, ये कुछ सीन है, बट अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि कैसे क्या अपॉइंटमेंट लेना या क्या करना है। तो वही देर तभी ट्रांसलेट कर रहा है, देखते हैं क्या बोलती है ये। ट्रांसलेट करके कुछ पूछ भी रहे हैं कुछ लोग। वास प्रिग्लासयात मास्टरा। तो गाइस बैठ गए, यहाँ पे हेयर कटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मिलते हैं बिफोर और आफ्टर लुक के साथ। अभी देख लो थोड़ा सा, क्या देखते हैं कैसा कटता है। हेयर कट हो चुका है, कुछ भाई ने तो दाढ़ी भी सेट करा लिया है, और इसका हो गया है 450 रुपये, और मैंने बस हेयर कट कराया है। तो देखता हूँ कितना रुपये होता है, पे करता हूँ एंड चलते हैं फिर यहाँ से। फाइनली गाइस हेयर कट हो चुका है 300 रुपये में, और काफ़ी दिक्कत आ रही थी स्टार्टिंग में, बट हाँ साथ में हमारे भैया थे सहदेव भैया, फोर्थ ईयर स्टूडेंट। हेलो भैया, कैसे हुई कटिंग? मस्त हुई। हाँ सही है, सही लग रहा है। और इधर हेलो भाई। हाय भाई। तो उसके बाद कट हो गया है, काफ़ी हेल्प हो गया, क्योंकि एक तो हमें उतना रुस्की आता नहीं है, तो उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बट भैया ने काफ़ी हेल्प कर दिया, उस वजह से काफ़ी अच्छा कट हो गया है। और तेज कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है। हाँ अब सही लग रहा है, काफ़ी दिन हो गया था, लगभग 2 मंथ हो गए थे आए उसके बाद। चलो ठीक है, मिलते हैं हॉस्टल में। फाइनली गाइस पहुँच गए अपने हॉस्टल रूम पर। तो एक बात आपको आखिर में एक टिप दे देना चाहता हूँ, अगर आप भी जा रहे हो अगर हेयर कट कराने, तो हो सके तो कोई भैया अगर सीनियर मिल जाए तो लेकर जाओ, नहीं तो अपना फोटो भी आप दिखा सकते हो। लाइक मैंने अपना फोटो दिखाया बट फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था, तो जो सहदेव भैया हमारे साथ थे फोर्थ ईयर स्टूडेंट, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की, उसकी वजह से काफ़ी अच्छे से कट हो गया, नहीं तो शायद क्या करता पता नहीं, बाल का पता चलता फिर मुझे पूरा ही जीरो करवाना पड़ता, ये सिस्टम भी हो सकता था। तो इसलिए थोड़ा सा डर रहता है फर्स्ट टाइम में, लेकिन हाँ अब समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है। तो फर्स्ट टाइम अगर हो सके तो सीनियर को लेकर जाना। तो 300 रुपये लगभग लगे, जो कि ठीक है, इंडिया में 100-150 रुपये लग जाते हैं अगर आप अच्छे सैलून में जाते हो, तो यहाँ पर आपको लग गया 300 रुपये, ठीक है जो भी है। तो यही कुछ ब्लॉग था, होप इससे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा, मैंने आपको लोकेशन भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, कहाँ जाना है कैसे जाना है, तो इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो लाइक करना और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कुछ अगर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और शेयर करना दबा कर। तो 10वीं दानिया, जय हिंद जय भारत।